मेरी गीत नहीं, ये किसान की गीत है। और मुख्यमंत्री में अगर नैतिकता है तो मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा उसी दिन दे देना चाहिए था जिस दिन पैसे बांटने शुरू किए, जिस दिन सरकारी मशीनों का दुरुपयोग होना शुरू किया। लोगों ने इनकी तसल्ली बैठा दी सर। कांग्रेस की जो इसमें इतनी खस्ता हालत है, इसका क्या लगता है आपको? दूसरा समीकरण है, बीजेपी दोनों मिले हुए थे पहले दिन से, आज से नहीं पिछले 7 साल से मिले हुए हैं। और 7 सालों में लगातार कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर के हरियाणा प्रदेश को कमजोर करने की कोशिश करी। ये नतीजा आपके सामने है कि किस तरह से जिस कांग्रेस के 35,000 वोट थे वो जमानत की बचा पा रही है। पैसा बांटने के जो आरोप आपके हैं तो बीजेपी पर है या कैंडिडेट पर है? बीजेपी पे, सरकार पे है। सरकार ने मिटवाया पैसा सारा। कोई कैंडिडेट पैसा थोड़ा ही बांट सकता है। सरकारी मशीनरी में पैसा ले जा करके बांटा गया और पुलिस ने पैसा बंटवाने का काम किया। जगह जगह पे पुलिस को हमने 15 कंप्लेंट इस किस्म की दी इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। अगर संज्ञान लेते तो आज इनकी जमानत की बस्ती। सर 12 राउंड के नतीजे अधिकारी आए हैं, आप 12 राउंड में आप 4 फैक्शन लीड कर रहे हैं सर। 12 राउंड में आपके पास मेरा मार्जिन 8,000 से ज्यादा का रहेगा। मैं 8,000 से ज्यादा वोटों से जीतूंगा। लेकिन वही बात फिर दोहरा रहा हूँ कि किस तरह से सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग की गई, किस तरह से पैसा बांटा गया, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसका किसी सिटिंग जज से ही जांच कराई जाए ताकि आइंदा से इस तरह से सरकार जो है नंगा नाच ना कर सके।